परिचय देना चाहूंगा। नाम सुरेश मेवाड़ा, पार्षद एंड नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका पिनावाड़ा। मैं सर ट्रेटा टे नादौरा सीमेंट लिमिटेड द्वारा जो लाइम स्टोन का जो उत्पादन क्षमता के लिए जो ये जन समर्थन की गई है, इसे हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर भास्कर विष्णु जी, हमारे पर्यावरण विभाग से शिव कुमार जी, हमारे अल्ट्राटेक सीमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्री चंद्रपाल सिंह चौहान सर और एस आर पंत साहब और हमारे पुलिस उपाधीक्षक अभी जेडू सिंह जी कटोक भी आए हैं और हमारे पत्रकार बंधु और नगर के सभी साथी। अभी जो नई जो ये लाइम स्टोन की जो प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए जो कर रहे हैं, लोगों ने बहुत बताया कि बहुत फायदा होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन दो साल पहले भी इसी तरीके की हीरिंग हुई थी, मैं भी इधर उपस्थित था, लेकिन जो जो वादे किए थे उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं। मैं खुद यहाँ उपस्थित था, चौहान साहब भी इधर ही थे। जो जो इन्होंने वादे किए थे कि हम ये करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। आज जो क्षमता बढ़ा रहे, इससे क्या होगा? ब्लास्टिंग होगी। पहले से लोग परेशान है, आदिवासी लोग परेशान है, पहले से उनके घर डेटर हो चुके हैं, उनके घर गिर रहे हैं, पॉल्यूशन से इतना धुआं दस्त होती है, अधिक बीमारियों से ग्रसित है वो, और इन्होंने पॉल्यूशन के नाम से क्या किया ये बताया जाए मुझे। मैं अभी दूंगा, लिखित भी दूंगा, मुझे बाद में आप लिखित भी दे सकते हैं। इन्होंने पर्यावरण के नाम से कुछ भी नहीं किया। इन्होंने दो साल तो मैं भी देख रहा हूं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज ब्लास्टिंग से घर टूट रहे हैं, लोगों को घर टूट रहे हैं, डस्ट उड़ रही है, कई अनेक बीमारियों से ग्रसित है, लेकिन उनको आदिवासी भाई जो भाई बंधु है, आदिवासी गरीब जनता है, अनपढ़ है, उनको कुछ भी नहीं मिला। और जब ये सीएसआर फंड की बात कर रहे हैं कि हमने 10 करोड़ दिया, मैं ये जानना चाहता हूं कि पिनावाड़ा नगर व आसपास आमली ठंडी वेरी मारव जो भी एरिया है, ये सीएसआर फंड जाता किधर? मुझे समझ नहीं आया। सीएसआर फंड जो करोड़ों में होता है, डीएमए फंड वो भी करोड़ों में होता है, लेकिन पिनावाड़ा नगर में कुछ भी नहीं लगाया। ये खाली झूठ बोल रहे हैं, टन टोल वाली नीति कर रहे हैं, ये सोच रहे जैसे जैसे सुनवाई हो जाए, लेकिन कैसे भी करके भ्रमित करके ये जन सुनवाई पूरी कर लेंगे, लेकिन अभी न्यायपालिका जिंदा है और हम आगे भी जा सकते हैं। जाति पहले युवा के रोजगार की बात की थी। थैंक यू। आप लिखित में दीजिएगा, मैं सर लिखित में बात सुनिए, मेरी बात सुनिएगा, सुरेश जी बात सुनिएगा, निष्पक्ष जांच के लिए सर ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिएगा। जन सुनवाई के एक प्रोसीजर होता है, मौखिक में नेता की तरह भाषण देना जन सुनवाई का मकसद नहीं होता है। इसके लिए आपको लिखित में तर्क और साक्ष्य के साथ में आप अपना मत रख सकते हैं। सर, अगर रखना चाहे रख दीजिएगा, बाकी भाषणवादी रिकॉर्ड में देंगे वो भाषण बोलने दे रहे हैं, लिखित में दे लिखित में दीजिएगा ताकि वहाँ रिकॉर्ड में जाए। रिकॉर्ड में है, ठीक है, आपने जनता को कैसे मालूम पड़ेगा? सुरेश जी ऐसा है, भाषण दे दिए वापस हो जाएगी। मैं बड़ा मैं दबा रहा हूँ, लिखित भी देना था तो जन सुनवाई की बात करेगी। लेकिन पहले हमारी बातें सुनो, सुन रहे हो आप, मेरी